दोस्तों, विटी आइडियाज चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे दुनिया की मोस्ट पॉपुलर कॉफी चेन स्टारबक्स और इसके ऑनर हॉवर्ड शुल्स की सक्सेस स्टोरी के बारे में। हॉवर्ड शुल्स का जन्म 19 जुलाई 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। ब्रुकलिन उस समय डेवलपिंग स्टेज में था और वहां के कई सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पटरियों के उस तरफ रहते हुए उन्हें ये एहसास हुआ कि दुनिया में संपत्ति की कितनी असमानता है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में गरीबी का अनुभव किया था। उनके पिताजी ट्रक ड्राइवर थे। एक दिन वो डायपर्स डिलीवर कर रहे थे और चोट लगने की वजह से उनका एक टखना टूट गया। उनके पास ना तो हेल्थ इंश्योरेंस था और ना ही उन्हें वर्कर कंपेंसेशन मिला, जिसकी वजह से वो बेरोजगार हो गए। स्कूल में शुल्स को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से उनको नदन मिशिगन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली और वे कम्युनिकेशन में डिग्री करने लगे। उनको अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए लोन लेना पड़ा था। अपने खर्चे को चलाने के लिए वो बारटेंडर की जॉब करते थे और कभी कभी ब्लड डोनेट करके भी कुछ पैसे कमाते थे। अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक साल एक लॉज में काम किया। उसके बाद उनको जेरॉक्स कंपनी ने हायर कर लिया और वे एक सेल्स की जॉब करने लगे। लेकिन ये जॉब उनके खर्चे पूरे नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने ये जॉब छोड़ दी। फिर वे हैमर प्लास चले गए। वहां वो हाउसवेयर की एक कंपनी पर्स टॉप के साथ काम करने लगे। हैमर प्लास में उनको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलने लगा और वो जनरल मैनेजर बन गए। यहाँ वो एक टीम को लीड करते थे। स्टारबक्स से उनकी पहली पहचान यहीं पे हैमर प्लास में हुई थी। उस समय स्टारबक्स के सियाटल में बहुत कम स्टोर्स थे, लेकिन स्टारबक्स शुल्स की कंपनी से बहुत ज्यादा कॉफी मेकर्स ऑर्डर कर रहे थे। उनको ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि कैसे एक छोटी सी कॉफी शॉप चेन, जिसको कोई जानता भी नहीं है, इतने कॉफी मेकर्स ऑर्डर कर रही है। शुल्स को इस बात ने काफी हैरान किया और इसीलिए वो उस समय के स्टारबक्स के मालिक गिरेल बाल्डविन और गॉर्डन बॉकर से मिलने सिएटल चले गए। वो उनके ऑनर्स के कॉफी बेचने के पैशन से काफी इंप्रेस हुए, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉफी बेच रहे थे, जिसके कस्टमर्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत कॉफी सेल कर रहे थे। स्टारबक्स उस समय बहुत छोटी कंपनी थी। उस समय उसके पास बस 3 ही स्टोर्स थे। उस समय स्टारबक्स ज्यादा कॉफी के पैकेज होम यूज के लिए बेचा करते थे। उन्होंने उनके मालिकों से रिक्वेस्ट की कि उनको वो हायर कर लें रिटेल मार्केटिंग के डायरेक्टर के रूप में, और वो मान भी गए। एक बार किसी काम से शुल्स इटली गए हुए थे। उन्होंने वहां देखा कि वहां पे एस्प्रेसो बार्स वाले अपने कस्टमर्स को नाम से जानते हैं और उनकी कॉफी के प्रेफरेंस को भी समझते हैं। ये देख के वो काफी हैरान हुए और उनको समझ आ गया कि कॉफी और इंसान में एक पर्सनल रिश्ता है। उन्होंने ये बात स्टारबक्स के ऑनर्स से डिस्कस की और कहा कि हमें भी अपने कस्टमर्स को इटालियंस की तरह कॉफी सर्व करनी चाहिए, लेकिन उनके ऑनर्स ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। वो बहुत निराश हुए, लेकिन उनको विश्वास था कि इस आइडिया में दम है। 1985 में उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और अपनी कॉफी कंपनी खोलने का फैसला लिया, जिसका मकसद कॉफी से पैसा कमाने से ज्यादा कस्टमर्स से रिलेशन एस्टैब्लिश करना था। उन्होंने इस कंपनी का नाम इटालियन लैंग्वेज में इल गुवर्नेल रखा, जिसका मतलब हिंदी में होता है हर रोज, और इंग्लिश में द डेली। लेकिन इस कंपनी को शुरू करने के लिए फंड्स रेज करने में उन्हें एक साल लग गया, पर एक साल में वे $1.6 मिलियन इकट्ठा करने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि जब मैं फंड्स रेज कर रहा था, मैंने एक साल में अपने आइडिया के बारे में 242 लोगों से बात की। उनमें से 217 लोगों ने
मुझे सीधे ना बोला और कहा कि ये आइडिया पैसा लगाने योग्य नहीं है। 217 बार ये सुनना कि तुम्हारा आइडिया पैसा लगाने के काबिल नहीं है, ये बहुत मुश्किल था। 2 साल तक शुल्स ने इस कंपनी को इटालियन कल्चर के हिसाब से चलाया और फिर उन्होंने 1987 में स्टारबक्स को 3.8 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। जब उन्होंने स्टारबक्स खरीदा तब स्टारबक्स के 6 स्टोर्स थे। उन्होंने स्टारबक्स में अपने आइडियाज के हिसाब से चेंजेस किए। अमेरिकन्स को स्टारबक्स बहुत जल्दी पसंद आने लगा। 5 साल के अंदर ही 1992 में स्टारबक्स 6 स्टोर से 190 स्टोर्स तक पहुंच गया और उसका रेवेन्यू 93 मिलियन डॉलर्स को छू गया और स्टारबक्स को पब्लिक कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया। पब्लिक कंपनी बनते ही स्टारबक्स ने और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। साल 2000 में स्टारबक्स के 3,500 स्टोर्स हो गए थे और उनका रेवेन्यू 2.2 बिलियन डॉलर पर ईयर हो गया था। 2008 में शुल्स ने अपने स्टारबक्स स्टोर्स को कुछ देर के लिए बंद कर दिया ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर पाए कि परफेक्ट कॉफी कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आज 2017 में स्टारबक्स के लगभग 25,000 स्टोर्स हैं और उनकी पकड़ दुनिया की 65 कंट्रीज में है। आज शुल्स का नाम दुनिया के अमीर इंसानों में लिया जाता है। शुल्स अपने एम्प्लॉयज को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उनको पार्टनर्स बुलाते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज को कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस और कंपनी के शेयर्स खरीदने की परमिशन भी देते हैं, क्योंकि उनके पिताजी जब घायल हुए थे तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिला था, जिसकी वजह से उनका बचपन कठिनाइयों से भर गया। शुल्स ने अपने जीवन पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है पोर योर हार्ट आउट। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी भी इसी किताब से ली गई है। तो दोस्तों, ये थी स्टारबक्स की एक अमेजिंग कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।